my money right. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to tell. Yeah, nuts for my gang. Give me just a stamp. हेलो गाइस, की हाल है थोड़ा? यस, आई एम बैक। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो यार, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि YouTube का कोई कितना ही बड़ा रोस्टर क्यों ना हो, तब तक वो TikTok पे पड़े टैलेंट के बारे में बात नहीं करेगा ना, आवाम उसको रोस्टर मानती नहीं है। तो यूं ही कल परसों मैं TikTok की भूल भुलैया में भटक रही थी कि अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई, छोटा सा वीडियो लगाई। अबे साली, ये क्या लगा दी तूने? ओरिजिनल लगा क्यों? क्या बात है जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, एक फनी वीडियो थी, गुड हो गया। आप ना एक्टिंग के बादशाह, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, गुड हो गया यार। अब वैसे मैं किसी के पर्सनालिटी या शक्ल पर कमेंट करने वाली होती कौन हूँ, लेकिन ये क्या है यार, ये क्या है, मुझे बताओ आप लोग, ये है क्या? देखो, अगर मैंने किसी पे रोस्ट बनाना होता है ना, तो मैं उसकी सारी नहीं लेकिन 80% वीडियो सब देखती हूँ, क्योंकि कंटेंट निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। अब ऐसी शक्ल को कोई कैसे देख सकता है? खैर, अब किसी ना किसी को तो ये देखना ही पड़ेगा ना। तो चलो छोटे शुरू करते हैं, तेजाब रख ले मेरे साथ, क्या पता मुझे अपनी आंखें तेजाब से धोनी पड़े। और मैं खाता हूँ प्रिंस बिस्किट। ओए, जितना तेरा वजन है ना, तूने गिरने तो जमीन में खड़ा हो जाना, शर्म कर, अब तुझे भी मान के रख दूंगा, तेरी आईडी मिल। कंटेंट पे तो बाद में आते हैं, पहले भाई साहब की पर्सनैलिटी चेक कर लेते हैं। नो 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 नो, भाई की क्या पर्सनैलिटी है? अद्भुत। मतलब ये क्या हो रहा है, मूंछों की जगह पेंसिल लगाई हुई है यार इस बंदे ने, और बाल तो फिर भाई, स्टाइल चेक करो भाई का। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ऐसे ऐसे लोगों को देखकर ना माँ बाप अपने बच्चे छुपा लेते हैं, कहीं बच्चे खाने वाले जिन तो नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो शादी में बच्चे भगाने का काम करते हैं। काशिफ खान को एक दिन फंक्शन पे जाना पड़ गया, सारा दिन लगा के ये फुल तैयार शार होके नया टू पीस पहन के दोस्तों में जाके खड़ा हुआ, और उसके दोस्तों ने कहा, ओए तू अभी भी नहीं जाने वे आते। एक दफा इसकी अम्मी ने इसको कहा कि बेटा, गर्मियों में परिंदों को पानी देने से खूबसूरत बीवी मिलती है। काशिफ साहब अगले दिन परिंदों को रोबजा पिलाना शुरू हो गए। एक दिन काशिफ सिनेमा में मूवी देखने गया, वहाँ उसके साथ एक अंकल बैठे हुए थे। अंकल के पास एक कोक की बोतल थी जिसको वो बार बार मुंह के लगाकर वापस रख रहे थे, लेकिन उस बोतल में से कोक खत्म ही नहीं हो रही थी। काशिफ ने जब ये देखा तो उसने फौरन अंकल के हाथ से बोतल छीनी और एक घूंट में पीने के बाद कहा, अंकल जी बोतल ऐसे पीते हैं। आगे से अंकल ने बोला, बेटा मैं तो उसे पान की पीक थूक रहा था। जहाँ तक बात की जाए इसके कंटेंट की, तो भाई साहब हर उस जगह घुसते हैं जहाँ घुसने का मकसद नहीं होता। नहीं भाई, अगर आप किसी की वीडियो पर ये वाला कमेंट नहीं दोगे, गुड हो गया। आप ना एक्टिंग के बादशाह, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, गुड हो गया यार। तो क्या उसकी वीडियो पर लाइक और कमेंट्स नहीं आएंगे? नहीं, शाबाशी तो ऐसे दे रहे होते हैं जैसे उस वीडियो में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो। चलो, अगर कोई सोशल अवेयरनेस वाला मैसेज है या कोई रिलीजन के हवाले से कोई वीडियो है, तो चलो मान लिया जाता है, चलो समझ आ जाती है कि इस इंसान ने ये वीडियो क्यों बनाई है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा क्या है जो शाबाशी दे रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक हफ्ते बाद अपनी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। असल में अकाउंट में थोड़ा सा मसला हो गया था। चलो जी, वेरी गुड हो गया, ऐसे शुगर मिला रगाई रखो, गुड हो गया भाई। करो कोई अच्छा कंटेंट बनाओ, कोई ऐसे काम करो कि हम लोग भी आपको देख के ये सब बोले। इंशाल्लाह जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई हो, फिर से कहूंगा गुड हो गया यार। इतना क्रिंज फैलाओगे और फिर हम लोग रोस्ट भी ना करें यार, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर रोस्ट कर दिया जाए तो तुम लोगों के मुंह बन जाते हैं। भाई काम अच्छा करो ताकि लोग तुम्हें शाबाशी दें जैसे तुम लोगों को देते फिरते हो। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट डाउन करें कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो भाई वहाँ पर भी जाके फॉलो करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।